हाल ही में बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब की बिक्री से हुई लगभग 74 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में मुख्य आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या बोले, सुनिए। जो कुछ भी हुआ है उस पर बहुत ही गंभीरता से एकदम सरकार की तरफ से सब लोग, दोनों डिपार्टमेंट के लोग पूरी तरह इस पर देख रहे हैं कहाँ क्या है और एक एक चीज की जांच कर रहे हैं कि कहाँ कैसे हुआ, कौन किया, कौन लाया, एक एक चीज को देख रहे हैं। और जैसे ही घटना घटी तो उसके बाद ये सब तरह तरह की बात आई, वो तो छोड़ दीजिए, उस पर हमको कुछ नहीं कहना है। लेकिन जैसे ही घटना घटी थी उसी समय हमने अधिकारियों से कहा कि भाई क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इसको तत्काल देखिए। और सबको कहा गया है कि एक एक चीज पर नजर रखिए, तो कोई गड़बड़ काम कर रहा है तो उस पर नजर कैसे नहीं, ये सब हम लोग पहले ही कह दिए थे। और उसके बाद तरह तरह की बात आने लगी तो हम लोग क्या करते हो ही रहा, तो कर रहा है, बिल्कुल करेगा। लोग से यहां से करके बाहर भाग जाते हैं, इन पर तो शिकंजा कसना होगा ना, एक बड़ी। देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि एक तो इतना आप जान लीजिए, ज्यादातर लोग तो शराबबंदी के पक्ष में, लेकिन क्या करिएगा, कुछ लोग तो होता ही ना, हम लोग शुरू से न कर रहे हैं तो इधर उधर करता है, वो अच्छा काम नहीं करता है, समझाया जाता है, और फिर भी जिनको जिम्मेवारी दी जाती है उसमें भी सब ठीक ढंग से कभी कभी काम नहीं करता है, तो एक्शन उस पर भी होता है। तो इसलिए एक एक चीज को देखा जाता है कि भाई कहीं कुछ हो रहा है, देखिएगा ना। तो आजकल देख रहे हैं कहाँ कहाँ पकड़ा रहा, कहीं कोई बाहर से आ रहा है, कहीं कोई अंदर कर रहा, तो रोज पकड़ा रहा, गिरफ्तार कर रहा। और हमने ये कह दिया कि बिना मतलब का लोगों को नहीं, असली जो करता है अंदर तौर पर उसी को खोजिए और उसी को पकड़िए। बता दें कि बिहार के छपरा में जहरीली शराब कांड ने कई लोगों की जान ली थी, जिस पर खूब हंगामा बरपा था।